अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ लाल चौलाई के साग की रेसिपी, वो भी बिहारी स्टाइल में। तो चलिए इसे सबसे पहले हम साफ़ करेंगे। तो एक एक डंठल उठाएंगे, इसका मोटा मोटा डंठल होता है, और इसके पत्तों को तोड़ लेंगे, डंठल से अलग कर लेंगे, और सभी को इसी तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। जो मोटा वाला ये पार्ट है ना डंठल, इसको हम फेंक देंगे, और जो पत्ते हैं इसको मैंने तोड़ लिया है, पूरा एक गमला हुआ है। और इसको सबसे पहले खूब अच्छे से हम धोएंगे, 7 से 8 बार पानी से आप धो लीजिएगा। जब तक धोना है जब तक इसमें से पूरी अच्छे तरीके से मिट्टी निकल ना जाए, और आपको इत्मीनान ना हो जाए कि पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है, तब तक आपको धोना है। तो मैंने भी इसे 6 से 7 बार धो लिया है, और इसे मुट्ठे में पकड़ के इस तरीके से चाकू से हम काट देंगे। ज़्यादा बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मीडियम साइज़ में ही मैंने इसे काट लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से काट के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए इसमें अब कुछ जो सामान लगेगा उसको भी हम काट लेते हैं। तो एक टमाटर लिया है मैंने, और एक छोटा साइज का और एक मीडियम साइज का प्याज, और 3 हरी मिर्च लिया है मैंने, अच्छा 6 से 7 ये लहसुन की कली होगी। तो सबसे पहले हम लहसुन को काट लेते हैं, मीडियम साइज़ के ही काटेंगे, ज़्यादा ना बारीक काटेंगे और ना ज़्यादा बड़ा रखेंगे। मतलब एक लहसुन की कली में से आप 3 से 4 टुकड़ा इसे काट लीजिएगा। और जो हरी मिर्च है ना उसको भी मीडियम साइज़ में ही काटेंगे, जैसे हम लहसुन काट रहे हैं उसी तरीके से हरी मिर्च को भी काट लेंगे। कैमरा इस तरफ है तो वो कटिंग आपको क्लियर नहीं दिख रही है। और जो प्याज है उसे भी हम काट लेंगे। तो प्याज को हम इस तरीके से काटेंगे जैसे हम भुजिया वगैरह में डालते हैं उस तरीके से, मतलब लंबे लंबे स्लाइस में इसे हम काट के एक साइड में रख लेंगे। तो अब वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैंने काटा है। और टमाटर को भी चलिए काट लेते हैं। तो टमाटर को हम छोटे छोटे स्क्वायर साइज़ में काट लेंगे, और क्योंकि बड़े बड़े साइज़ में ऐसे काटेंगे ना तो गलने के बाद जो स्किन है तो कभी कभी मतलब ऐसे आ जाता है, दिख जाता है खाने में भी या मुंह में भी आ जाता है। तो टमाटर को कभी भी ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से काट के डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अब कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में साग बहुत अच्छा बनता है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा हम आधा मिनट के लिए तेल में भून लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लहसुन जो हमने काट के रखा था उसे भी डाल के और आधा मिनट तक हम तेल में भूनेंगे। फिर उसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च जो हमने काट के रखा था, उसे भी भून लेंगे लगभग आधा मिनट के लिए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, और प्याज को डाल के हल्का सा पिंक कलर का भूनेंगे। बिल्कुल इसका कलर मतलब लाल नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा कलर आ जाए कुछ इस तरीके से पिंक कलर के, तो इतना हमें भून लेना है प्याज को। जब इस स्टेज पे आ जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर अपने काटे हुए, और टमाटर को सिर्फ 5 मिनट भूनना है इसमें कढ़ाई में डाल के। ज़्यादा इसको मैसी नहीं करना है, क्योंकि हम साग के साथ इसे पकाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक गल जाएगा। तो 5 मिनट हमने भून लिया है टमाटर को। अब इसमें हम ऐड कर देंगे साग जो हमने काट के रखा था। तो साग को हम मतलब आधा डाल के और मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद से जब थोड़ा सा ये जैसे जैसे भाप लगेगा ना गल के, ये कम हो जाएगा, मिक्स करके इसको ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से जब ये गल जाएगा तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। क्योंकि जब पूरा कढ़ाई भर रहता है ना तो नमक मतलब अंदाज नहीं लग पाता है कि कितना डालें हम इसमें नमक। तो जब साग गल जाए तब आप इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। तो जब नमक ऐड करेंगे ना तो थोड़ा सा कलछी से इसको इस तरीके से दबाते हुए मसल लेंगे कि जो पत्तियों में हल्का फुल्का डंठल था ना वो भी इसमें मैश हो जाएगा, और मतलब अलग अलग साग आपके नहीं दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको कुचला है, मतलब कुचल देंगे कलछी से, और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो करके 5 मिनट हम ढकेंगे सिर्फ, उसके बाद से आप साग बन के रेडी हो गया। पूरा उसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब चलिए इसे सर्व कर देते हैं। तो एक बार ऐसे आप चौलाई के साग को बना के और देखिएगा, इसमें जो ग्रीन वाली आती है उसे भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं, और रेड वाली को भी, खाने में बहुत अच्छी लगती है और टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्थी भी होती है। तभी मिलना स्टार्ट हुआ है तो आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो या वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा।
तो आप सबको कैसी लगी बताइएगा। चलिए फिर इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।